भाजपा ने बढ़िया काम किया, कई काम किए हैं, गल्ला मुफ्त मिल रहा है, रोड अच्छे बनवाए हैं, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी है, किसानों की बस समस्या है ये कि इंडिया का हमारे समय में तो मोदी आएंगे। क्यों मोदी क्यों? अब उसका काम ज्यादा है, उसको बना हुआ खेल है और राहुल का बिगड़ा हुआ खेल है। मोदी है नेता बढ़िया, बाकी मतलब और बाकी सही सही मामला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक की टीम इस समय मौजूद है कटिया कंबू गांव में। यहां मुख्यालय से ये गांव करीबन 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहां मुस्लिम आबादी के लोग ज़्यादा रहते हैं। आइए उनसे जानेंगे 2024 को लेकर क्या है उनके दिल में। सबसे पहले बात करेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरे यार भाई सब यार बात करो यार, मेरे पे लगा दिया नाम क्या? जी मेरा नाम मुनीर खान है। मुनीर जी, क्या लगता है आपको कि इस बार जो है कौन बाजी मारेगा इस चुनाव में? अभी तो फिलहाल बीजेपी चल रही है और यहाँ से लगभग 50% वोट जो है वो बीजेपी को ही जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार करीबन जो है योगी सरकार की अगर बात करें तो वो कैसी लगती है आपको? सरकार तो लगभग ठीक है, मगर ये थोड़ा गाय का मसला है। गांव देहात में नुकसान जो हो रहा खेत में, ये बेचारे किसान परेशान हैं इस टाइम गाय की वजह से। बस ये जो हैं इनकी रोकथाम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके अलग कैसी लगती है योगी सरकार? सरकार ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत क्यों नहीं। क्यों ठीक है भाई? जो गुंडागर्दी है वो लगभग ख़त्म होली और विकास भी ठीक ठाक हुआ। अच्छा, 2024 में किसके आने की संभावना है, कि इंडिया गठबंधन की मोदी की? अब मेरे हिसाब से तो फिर मोदी जी ही आएंगे। क्यों मोदी जी की? भाई लहर तो मोदी जी की चल रही है साहब, तो मोदी जी ही हमारी समझ में है फिलहाल। अब आगे का चुनाव के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। अच्छा, भाजपा ने कितना काम किया है? भाजपा के काम ये है, रोड बनवाए हैं, विद्युत बिजलीकरण जो है वो सही हुआ है। गांव में तो फिलहाल यही हुआ, गांव में जो है थोड़ी गाय की प्रॉब्लम है, बाकी और लगभग सब ठीक ठाक है। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? राहुल गांधी भाई अब इसके बारे में तो अभी तो कुछ सही नहीं बता सकते हम आपको। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा वो भी मेहनत कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो भी लोगों को जोड़ रहे हैं। और अच्छा, एक आखिरी सवाल कि मोदी के मुकाबले कौन बड़ा नेता लगता है? मोदी के मुकाबले में तो फिर राहुल गांधी है, वही जो भी है फिर इन्हीं दोनों लोगों में है हिसाब किताब। क्या लगता है प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अब वो भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं और मोदी भी अपनी मतलब अपना जोर वो भी लगाएंगे। अब ये तो और लोगों से बात करेंगे। भैया क्या नाम आपका? सब्बन खान। सब्बन जी ये बताइए, क्या लगता है भाजपा ने कितना काम किया आपके लिए? भाजपा ने बढ़िया काम किया, कई काम किए हैं, गल्ला मुफ्त मिल रहा है, रोड अच्छे बनवाए हैं, गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर दी है, किसानों की बस समस्या है, किसानों को लेकर समस्या है और कोई समस्या नहीं। क्या समस्या है? यही गाय बैल छुटे घूम रहे हैं, आवारा घूम रहे हैं, फसल होती नहीं, किसान परेशान है, रात रात जगता है, बस यही समस्या है। योगी सरकार कैसी लगती है? सरकार बढ़िया है, सरकार अच्छी है, सरकार बेहतर चल रही है, सरकार में कोई कमी नहीं है। अच्छा, क्या मानते हैं कि राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे? राहुल गांधी भी बढ़िया है, प्रधानमंत्री बन सकता है, वो तो जनता के ऊपर है, वोट मिलेगा प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, मोदी के मुकाबले किसे बड़ा नेता मानते हैं? बड़ा नेता तो मोदी है इस टाइम। अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अगर उनका समर्थन हुआ पब्लिक का तो प्रधानमंत्री वो भी बन सकता है। अच्छा, बताइए कि बीजेपी इस बार 2024 में आएगी या इंडिया गठबंधन? हमें तो इंडिया गठबंधन के चांस लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक में किसान इतना परेशान है गांव गाय को लेके कि वोट मोदी को नहीं कम मिल पाएगा, वोट जो है राहुल गांधी को ज़्यादा सपोर्ट में जाएगा। चलिए और लोग बात करेंगे। चाचा आप बताइए, भाजपा ने कितना काम किया? काम तो काफ़ी किया, रोड वगैरह और
क्या क्या किया? जे का नाम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, रोड को काम कर रहे है, हाँ गल्ला फ्री पब्लिक दे रहे हैं और पब्लिक खा चाहिए। अच्छा 2000 रुपया भी दे रहे हैं। क्या लगता है 2024 में मोदी आएंगे कि इंडिया? हमारे समय में तो मोदी आएंगे। क्यों मोदी क्यों आता? अब उसका काम ज़्यादा है, उसको बना हुआ खेल है और राहुल का बिगड़ा हुआ खेल है, अभी एकदम थोड़ी बन जाए इतनी जल्दी। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मुश्किल है। अच्छा मोदी के मुकाबले कौन बड़ा नेता लगता है? मोदी के मुकाबले में कौन बड़ा? मोदी यही सबसे बड़ा है अभी मेरा हिंदुस्तान। योगी सरकार आपको कैसी लगती है? अच्छी लगे, बस यह एक समस्या है आदमी का देहात के लिए, और कोई समस्या नहीं। छुट्टा पशुओं वाली? बस पशु आवारा पशुओं वाली है समस्या, और कोई समस्या नहीं। चलिए कुछ लोग उस साइड में बैठे हैं, उन लोगों से जानेंगे क्या है उनके दिल में। क्या नाम है चाचा आपका? क्या लगता है भाजपा सरकार ने कितना काम किया? बहुत बढ़िया काम करो भाजपा सरकार ने भाई। योगी सरकार बहुत बढ़िया कैसी लगती है? बढ़िया चला रहे, सख्त चला रहे, कायदे चला रहे सरकार। अच्छा 2024 में क्या मोदी आएंगे या इंडिया गठबंधन? मोदी यही, इंडिया गठबंधन आएगी। क्यों मोदी ही? क्यों मोदी ने काम इतने बढ़िया बढ़िया करे मुसलमानों के लिए, और का मतलब आयुष्मान कार्ड बनवाए, गल्ला दे रहे हैं फ्री, दुनिया योजनाएं हैं, मकान दे रहे हैं। अच्छा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? हमारे भाई बड़ा नाउमीद लगे थे कम। अच्छा तो क्या लगता है कि मोदी के मुकाबले कौन बड़ा नेता है? मोदी है नेता बढ़िया, बाकी मतलब और बाकी तो ही मामला है, अगर बात अगर यहीं तो राहुल गांधी आ सकते, मतलब बाकी कोई नेता ही तो ना यही। अच्छा भैया क्या नाम है आपका? कामिल। कामिल जी ये बताइए क्या लगता है कि भाजपा सरकार ने क्या क्या काम किया? भाजपा सरकार ने रोटे वोटे बनवाई हैं, और प्रॉब्लम है जैसे गाय आए की है प्रॉब्लम, गेहूँ में उचट जाते हैं, एक गौशाले में डाले जाके ले जाके, तो थोड़ी प्रॉब्लम आदमी की, किसान आदमी कम हो, बस यही प्रॉब्लम है। और गरीब आदमी के लिए जैसे गल्ला अल्ला काफ़ी होता है। तो योगी सरकार कैसी लगती है? योगी सरकार क्या, योगी सरकार सही लगती है। सही लगती है क्यों? सही लगती है क्योंकि दंगे फसाद ये कम हो गए हैं ना तभी। अच्छा ये बताइए 2024 में क्या मोदी आएंगे या इंडिया गठबंधन? अब ये तो नहीं बता सकते क्या आएंगे, उम्मीद तो मोदी की लगती है, और कुछ भी फिर आ सकता है। लग रही उम्मीद मोदी की? मोदी की जहाँ देखते हैं सीटें निकलती हैं तो उम्मीद लगती है ना, लहर मोदी जी की लगती है। तो अच्छा क्या लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बनने को तो बन जाएंगे, फिलहाल लहर तो मोदी जी की है। अच्छा इनके मुकाबले कोई, मोदी के मुकाबले कोई बड़ा नेता लगता है आपको? यही लगते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी बस। उम्मीद आपको किसकी है? उम्मीद तो मोदी जी की लग रही है। अच्छा तो कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये क्या नाम आपका? जी सलमान खान। सलमान जी ये बताइए कि बीजेपी ने अभी तक क्या क्या काम किए हैं? बीजेपी ने सारे काम किए हैं, किसान सम्मान निधि योजना से लेके घर के काम और वगैरह वगैरह, सड़कें, हम यानी बहुत काम किया है, काफ़ी मतलब सक्सेस चल रही है पार्टी, और अदर भी मतलब उसमें प्रदेशों में सरकार बन रही है तो यहाँ भी 90% सरकार बीजेपी की। योगी सरकार आपको कैसी लगती है? परफेक्ट सरकार है, पूरी परफेक्ट सरकार है, जो चाहिए सरकार से वो सारे गुण इसमें है, सारे गुण संपन्न है सरकार, हर तरीके से गुंडागर्दी से लगा के रोडे, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम गाय की है, पर गाय भी तो अपनी ही है, हमने छोड़ दी हमने छोड़ी सी दूध दी, सरकार की इसमें क्या प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम, सारी गलती अपनी है, पर सरकार परफेक्ट है। अच्छा क्या लगता है कि 2024 में मोदी आएंगे या इंडिया गठबंधन जो है? इंडिया गठबंधन में कोई गठबंधन लायक है ही नहीं इसमें 100% सो मोदी। क्यों ऐसा लगता है? क्या है इसमें सारे भ्रष्ट भरे हुए गठिया गठबंधन में, यहाँ से लगा के ममता बनर्जी, वो अखिलेश यादव सारे, अब इसमें परफेक्ट लोग हैं, अब तो एक लोग हैं तो सारे काम मोदी जी कर रहे हैं, तो योगी जी के डबल इंजन की सरकार अच्छी चल रही है, तो वही है योगी जी परफेक्ट। क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नो 99% नहीं बने, 100% मोदी मोदी। अच्छा इनके मुकाबले कोई और नेता लगता है मोदी के मुकाबले? नहीं यानी कोई टैलेंट तो है नहीं, बात राहुल जी हैं तो उतना टैलेंट है नहीं उनमें, ना तो बोलने की इतनी अकल है, क्या बोलते हैं क्या नहीं, बस मोदी जी पर 100% मोदी जी आएंगे। अच्छा कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया आप बताइए क्या नाम है आपका? सुहेल खान। सुहेल जी क्या लगता है बीजेपी सरकार ने
क्या क्या काम किया है? बहुत काम किया है, गायें रखाई हैं 12 बजे रात तक। बहुत काम किया है बीजेपी की सरकार ने। रोड देख लो कैसी है, रोड जो बीजेपी की सरकार में बनी है बहुत अच्छी रोड है बीजेपी की सरकार की। बिक्की पूरी कड़र कड़र बोल रही। तुमने क्या नहीं करा जो आपको लग रहा ना कुछ लग रहा, क्या नहीं करा? सब कुछ करा, होना चाहिए था। रोड बननी चाहिए थी वो भी नहीं बनी, आधी बनी छोड़ दी। और कौन कौन से काम नहीं हुए? क्या गाय है देखो, गाय घूम रही, 18 बीघा था, 8 बीघा बचा। इसके अलावा और क्या समस्या है? समस्याएं बहुत हैं, तेल देख। योगी सरकार कैसी लगती है? योगी सरकार कहती बेवकूफ, बहुत बेकार है। अच्छा ये बताइए कि क्यों ऐसा कह रहे हैं कि योगी सरकार बेकार है? बेकार है कति बेकार है, तेल देखिए, गैस सिलेंडर देखिए, तेल देखिए, सब महंगाई एक मुद्दा है। और क्या, सब महंगा है, तेल कहाँ। क्या लगता है कि 2024 में मोदी के आने की उम्मीद है या इंडिया गठबंधन? मोदी आएगा, वो तो क्लियर है आएगा, वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। क्योंकि अच्छा नहीं तो राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, कोई नहीं बन सकता उनके आगे, कोई नहीं बन सकता उनके आगे। बड़ा नेता कौन है मोदी के मुकाबले? क्या मोदी के मुकाबले कोई और बड़ा नेता है? नहीं, कोई नहीं है। पर आपको यही समस्या है काम की जो? हाँ काम नहीं हुए, बहुत अच्छी सरकार है। वो तो योगी की गलती है, मोदी तो वहाँ बैठे हैं दिल्ली में। चलिए ये थे गाँव के लोग। भैया कुछ और बताएंगे आप लोग? चलिए ये थे गांव कटिया कम्बू के लोग, जिनका साफ तौर पे कहना था कि वो इस बार जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ भी है और कुछ बीजेपी की तरफ भी, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं इनका वोट बटेगा शाहजहाँपुर से विनय पांडे यूपी तक।